हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 2 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो देखो, जो हमारी पहली न्यूज है उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेक नंबर या मेक स्पीड क्या होती है। देखो, आपने कई बार सुना होगा कि ये जो प्लेन है इसकी स्पीड है वो हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है। तो ये होता क्या, वो हम देख लेते हैं। देखो, ये बेसिकली जो ये प्लेन होते हैं सुपर, जिनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, इनका बेसिकली जो हवा की स्पीड होती है, अगर हम बात करें, सॉरी, हवा का मतलब यहाँ पे साउंड की स्पीड, कि साउंड की स्पीड है उसको अपन एक में के कुल काउंट कर सकते हैं। अगर जो भी ऑब्जेक्ट आपका, जैसे मान लो कि कोई एरोप्लेन है, कोई भी प्लेन जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड के इक्वल है, इसका मतलब उसका मेक नंबर एक है, तो उस स्पीड को हम बोलेंगे ट्रांसोनिक। अगर कोई विमान या कोई भी प्लेन जिसकी स्पीड है वो एक मेक से ज्यादा है, यानी कि साउंड की जो स्पीड है उससे ज्यादा है, उसको हम सुपरसोनिक बोलेंगे। और अगर कोई विमान या जिसकी स्पीड है वो 5 मैक से ज्यादा है, यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना है, उससे भी ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे बेसिकली हाइपरसोनिक प्लेन। अब जैसे को मान लो ये आ जाए कि कोई प्लेन है उसकी स्पीड है, या कोई भी मिसाइल है उसकी स्पीड है वो है 2.8 मैक है। तो 2.8 मैक का क्या मतलब हुआ, 2.8 मैक का मतलब क्या हुआ कि वो सुपरसोनिक क्लास में है। अगर उसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर, जैसे 5.5 मैक हो गई, इसका मतलब वो हाइपरसोनिक में है। ये आपको कई बार न्यूज वगैरह में देखने को मिलेगा, तो आपको ये थोड़ा ध्यान है वो रखना है। अब चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल आया है बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसकी स्पीड है वो है 2.8 मैक के समथिंग। मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली एक सुपरसोनिक क्लास का एक लाभ हो सकती होगी, एक मिसाइल है। देखो, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये बेसिकली दो कंट्रीज का मिक्स, दो कंट्रीज की तरह बनाई गई है। ब्रह्मा एक तो रिवर, आपको ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे तो नाम लिया गया ब्रह्मा। मोस है वो बेसिकली रसिया के एक रिवर है जिसका नाम है मोस्कोवा, तो उस रिवर के नाम पे इसका नाम है वो रखा गया ब्रह्मोस। यानी कि इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रसिया की जो मोस्कोवा रिवर है उनके नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम है वो रखा गया है, जो कि इंडिया और रसिया के द्वारा डेवलप की गई है। देखो, स्टार्टिंग में जब ये मिसाइल बनी थी तो इसकी स्पीड थी वो थी, मतलब उसकी जो रेंज थी वो हम बात करें वो 300 किलोमीटर तक थी, 300 किलोमीटर तक से ज्यादा नहीं थी। बट बाद में जब आपको पता है कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, यानी कि इंडिया जब MTCR का मेंबर बन गया था 2016 में, तो फिर इंडिया के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, कोई भी लिमिट नहीं रही, तो फिर इंडिया ने इसकी लिमिट है जो आप रेंज बोल सकते हो उसको इंक्रीज कर दिया, और वो भी 600 किलोमीटर के नियर बाई है। कई बुक्स में आपको लगभग 600 मिलेगा, कई जगह आपको 580, कई जगह 400, कई जगह आपको मिलेगा 650। तो वो देखो अलग अलग जगह लिखा हुआ, अलग अलग मेंशन है, बट मतलब अब है वो इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई कंट्री MTCR की मेंबर नहीं होती है ना, तो उस पर लिमिट रहती है कि भाई वो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल है वो जॉइंटली डेवलप वो नहीं कर सकती। तो जब इंडिया MTCR का मेंबर बन गया तो इंडिया ने ये मिसाइल है वो लंबी, मतलब आप की ज्यादा रेंज की मिसाइल को डेवलप कर लिया। अब हम इसके कुछ फीचर देखते हैं। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल है वो बेसिकली लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, मतलब जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, हवा से भी और समुद्र से भी, नहीं कि नेवी भी इसको लॉन्च है वो कर सकती है। तीनों वर्जन इसके अवेलेबल हैं। इसी के साथ ही ये किसी भी वेदर में काम कर सकती है, डे नाइट बारिश किसी भी मौसम में काम करेगी। और इसकी जो एक्यूरेसी है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब इसकी एक्यूरेसी भी बहुत परफेक्ट है, और फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है कि आप एक बार दागो और फिर भूल जाओ। ये ध्यान रखना कि यह कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है। देखो, बेसिकली जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, मतलब कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल होती हैं, वो मिसाइल होती हैं जिनकी रेंज है वो लगभग 5500 किलोमीटर से ज्यादा है वो होती है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे आप अटैक वो कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ब्रह्मोस की रेंज है वो 600 के आसपास ही है, तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे बोएगा टाइगर के बारे में। देखो, ये है, अभी आप देखा होगा आपने न्यूज इमेज में, ये बेसिकली एक स्नेक कैट की स्पीसीज है जो कि अभी डिस्कवर है वो की गई है। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में। तो इसी को लेके न्यूज है वो आई है। इसका नाम है वो बोएगा ठाकरे इसलिए रखा है क्योंकि आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो ठाकरे कम्युनिटी है, उसको ठाकरे समुदाय, उसी के बेसिस इसका नाम रखा है बोएगा ठाकरे। यह एक कैट स्नेक स्पीसी है जो कि वेस्टर्न घाट में, जैसा मैंने आपको बताया, डिस्कवर की गई है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसके द्वारा इसके बारे में कुछ फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि यह जो स्पीसीज है वो अभी सह्याद्री जो हिल टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, वहां पे डिस्कवर है वो की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। इसी के साथ ही ये जो स्नेक है इसके ऊपर टाइगर की तरह देखो लाइंस हैं, तो इसीलिए इसको टाइगर का नाम है वो, मतलब है वो यहाँ पे दिया गया, तो आपको इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत है वो नहीं है। और बेसिकली सॉरी
और ये जो टाइगर सॉरी ये जो स्नेक है वो बेसिकली पेड़ पौधों में मेनली है वो ज्यादा रहता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह जहरीला नहीं होता है और इसकी जो लेंथ है वो होती है लगभग 3 फीट के आसपास। और अगर हम बात करें तो इसका जो प्रमुख भोजन होता है वो होता है हुमायूं नाइट फ्रॉग, यानी कि जो एक मेंढक की प्रजाति है हुमायूं उस मसले सॉरी जो मेन फ्रॉग की प्रजाति है इसको बेसिकली ये खाता है। अब देखो बात ऐसी है कि जो हुमायूं नाइट फ्रॉग है ना ये बेसिकली वेस्टर्न घाट की एक इंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि जो हुमायूं नाइट फ्रॉग है ये मेनली वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में इसी के साथ ही जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें मेनली पाए जाते हैं। तो आपको हुमायूं नाइट फ्रॉग के बारे में पता होना चाहिए और जो बोगे ठाकरी है इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। देखो आपको पता है कि अलग अलग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए हैं, तो अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो चल रहा है, तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन सा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब आया था। देखो जो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो आया था बेसिकली 1700 के दशक में, यानी कि जब 1700वीं सेंचुरी का टाइम चल रहा था उसमें ये स्टार्ट हुई थी। 1700 लेके 1800 वाले टाइम पीरियड में ये है जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यानी कि पहली जो औद्योगिक क्रांति थी इसमें क्या होता था कि जो उत्पादन था वो बेसिकली मैनुअल लेबर से होता था या फिर जानवर वगैरह है उनकी हेल्प से उत्पादन है वो किया जाता था। इसके बाद में बात आती है सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति। ये जो क्रांति है ये बेसिकली 20वीं सेंचुरी यानी कि 1901 वाला जो स्टार्टिंग का पीरियड है ना 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग टाइम आप ये बोल सकते हो कि 1901 से 1920-30 वाला टाइम इसमें स्टार्ट हुई थी सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें बेसिकली फोकस ये किया गया था कि स्टील और लोहा है इलेक्ट्रिसिटी है इनकी हेल्प से जो प्रोडक्शन है वो किया जाए और एक तरीके से काफी सारी स्टील इंडस्ट्री लगी थी और इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी प्रोडक्शन है वो काफी ब्रॉड लेवल पे होना शुरू हो गया था। इसके बाद में आती है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या तृतीय औद्योगिक क्रांति। ये जो तीसरी औद्योगिक क्रांति है ये 1950 यानी कि भारत की आजादी के बाद स्टार्ट हुई थी, यह हम बोल सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था इसके बाद में आई थी थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें बेसिकली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस है वो किया गया था, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज की फैक्ट्रियां वगैरह लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप ये आए थे। अब आती है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि अभी स्टार्ट हो रही है। देखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक एडवांस फॉर्म है। इसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा एनालिसिस इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं इनका यूज है वो किया जाता है। जैसे सिक्स सेंस टेक्नोलॉजीज हो गई ऐसी जो एडवांस कटेज टेक्नोलॉजी है इनका यूज है वो किया जाता है, ये होती है फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो अभी न्यूज ये आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने अभी आईआईटी जो कानपुर है इसके साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इंडस्ट्री 4.0 के नाम से, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका काम है बेसिकली हमारे जो रेल सेक्टर है इसके अंदर मॉडर्न और एडवांस इक्विपमेंट्स है उनका यूज किया जा सके। या फिर मैं आपको और सिंपल वे में बताऊं तो इंडस्ट्री 4.0 प्रोजेक्ट का मोटा सीधा सीधा यह है कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है इस क्षेत्र का यूज है वो इंडिया के अंदर है वो काफी ज्यादा गया, जैसे ऑटोमेशन की बात हो रोबोट्स वगैरह में या फिर इंटरकनेक्टिविटी में यूज किया जाए, डाटा एक्सचेंज में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है इनका यूज किया जाए, साइबर जो फिजिकल सिस्टम्स है इनके ऊपर फोकस किया जाए, बिग डाटा एनालिसिस हुआ, मशीन लर्निंग हुई, क्लाउड कंप्यूटिंग हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुई, ऐसी चीजों की तरफ फोकस करने की बात है वो की गई है। तो ये ध्यान रखना इंडस्ट्री 4.0 क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। देखो अभी यूनिसेफ इसके द्वारा नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है वो जारी किया गया था और हमारी इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने भी मिलकर इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अपना दिया है। तो अब हम देखते हैं कि है क्या, ये पहली बार ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है वो जारी किया गया है यूनिसेफ और इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। देखो ये जो सर्वे है ये माल न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषण है वो इसी के साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए उनकी वजह से क्या क्या कमियां हो रही हैं, कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही हैं उनके ऊपर फोकस है वो करता है। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जैसे कि डायबिटीज हुई, हाइपरटेंशन हुई, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गई, किडनी फंक्शन हुई, ऐसी जो डिजीज होती हैं इनको बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो इनके ऊपर ये न्यूट्रिशन सर्वे वो प्रकाश डालता है कि भाई हमारे देश में कैसी क्या हालत है। तो उसका कुछ हम फैक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। देखो जो इसमें कुछ फैक्ट ऐसे दिए गए हैं कि हमारे देश में 10% बच्चे ऐसे हैं और किशोर लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक यानी कि उनको डायबिटीज होने के चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
इसी के साथ ही हमारे देश में 7% बच्चे ऐसे हैं और किशोर बच्चे ऐसे हैं जिनको काफी क्रोनिक किडनी डिजीज होने की संभावना है या क्रोनिक खतरे किडनी डिजीज होने के खतरे हैं। इसी के साथ ही 4% एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर, 4% किशोर ऐसे हैं जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। देखो किशोर का मतलब ये होता है 10 से लेकर 19 साल के बच्चे को बेसिकली किशोर में काउंट है वो किया जाता है। इसी के साथ ही 5% हमारे देश में ऐसे किशोर बच्चे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की प्रॉब्लम है वो सामने आ रही है। तो आप देख सकते हो कि हमारे देश का कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जो देश के फ्यूचर है वो काफ़ी खतरे में है, तो उसी को लेके ये रिपोर्ट से वो प्रकाश डालती है। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो तमिलनाडु वाले स्टेट में सबसे ज्यादा देखने को मिली है कि इस वाले एरिया में ज्यादा अनसर्टेनिटी है, इससे काफी ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI। देखो नीति आयोग ने भी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का पहला एडिशन है वो जारी किया है। अब बात ऐसी है कि अकेला नीति आयोग तो है नहीं, इसमें नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन भी रहा है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसी के साथ ही वर्ल्ड बैंक और भी छोटे मोटे जो एक्सपर्ट सेंटर हैं इस एरिया में उनके द्वारा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ल्ड बैंक इसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD इसमें है और जो हम बात नीति आयोग है उसके द्वारा मिलकर इंडेक्स है वो जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया इंडेक्स, क्या इसके रीजन हैं? देखो पहली बात ये है कि इस इंडेक्स का मोटो ये है कि हमारे देश में जो एजुकेशन पॉलिसी है ना उसमें आउटकम पे कैसा फोकस किया जा रहा है, कैसे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके की स्टेट और जो यूटीज हैं वो प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं, कौन कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है स्कूल में बच्चों के लिए, कैसी कैसी फैसिलिटी यूज की जा रही है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके की उनको टीचिंग की जो क्वालिटी एजुकेशन की वो दी जा रही है, इसी के साथ ही कोर्स की क्वालिटी कैसे है, कोर्स में किस किस तरीके के करेक्शन किए गए हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन कैसा है, इन सारे पैरामीटर को देख के यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सभी स्टेट्स और यूटी के लिए इंडेक्स जारी है वो किया जा रहा है। यह ध्यान रखना है कि इस इंडेक्स में सभी स्टेट और यूटीज को अकाउंट है वो किया जा रहा है और एजुकेशन सेक्टर पर उन पर फोकस किया जाएगा। अब बात ऐसी है कि देखो इसमें जो स्टेट्स है ना इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो लार्ज स्टेट जो कि काफी बड़े हैं ज्योग्राफिकल एरिया से, एक तो उनको उनकी लिस्ट जारी की गई है, एक फिर जो मीडियम स्टेट हो गई वो हो गई आप जिन्हें बोल सकते हो स्मॉल स्टेट या फिर, और तीसरी है यूटीज। तो इस तरीके से 3 लिस्ट हैं वो तैयार हैं वो की गई हैं और लगभग 30 ऐसे क्रिटिकल आप बोल सकते हो इंडिकेटर्स हैं सूचक हैं जिनका यूज किया गया है कि भाई एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें किस तरीके की क्वालिटी है बच्चों को डिलीवर की जा रही है। जैसे मेनली हम बात करें तो इंडिकेटर को 2 तरीके में डिवाइड किया गया है, एक तो ये कि भाई आउटकम कैसे आ रहा है जैसे कि लर्निंग आउटकम हुआ, एक्सेस आउटकम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी आउटकम कैसा है और जो इक्विटी आउटकम है वो कैसा है, और दूसरी कैटेगरी है वह गवर्नेंस प्रोसेस कि भाई गवर्नेंस प्रोसेस कैसी है, इस पैरामीटर के आधार पर इंडेक्स है वो जारी किया जा रहा है। अब ऐसी बात है कि जो लार्ज स्टेट हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया कुछ ने, और स्मॉल स्टेट ने भी अच्छा काम किया और यूटीज ने भी। देखो आप ये ध्यान रखना कि लार्ज स्टेट की अगर हम बात करें तो यूपी है इसने काफ़ी ख़राब काम किया, यूपी की जो ओवरऑल हालत है वो बहुत बेकार है वो रही है, यूपी में ज़्यादा अच्छा काम है वो नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें ओवरऑल के हिसाब से तो राजस्थान और कर्नाटका है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसी के साथ ही हम बात करें तो केरला ने सबसे अच्छा काम किया है इन्हीं की एजुकेशन के एरिया में क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए, नंबर 1 पे रहा है केरल लार्ज स्टेट में और फिर नंबर 2 पे रहा है वो रहा है राजस्थान कि भाई इन्होंने एजुकेशन के एरिया में क्वालिटी वाले एजुकेशन के लिए अच्छे स्टेप उठाए हैं। यूपी है इसने काफ़ी घटिया काम है वो किया, इतना अच्छा काम नहीं किया है, ये यहाँ पे फैक्ट है वो दिया गया है। कर्नाटका है वो 3rd नंबर पे रहा है, वैसे नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे राजस्थान और नंबर 3 पे कर्नाटका। ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कर्नाटका और उत्तराखंड की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले टाइम से डिक्लाइन है वो हुई है। ये आप ध्यान रखना कि इसमें जो डाटा यूज किया गया है वो नेशनल जो अचीवमेंट सर्वे है 2017 का उस डाटा को यूज है वो किया गया है, यानी कि जो सर्वे किया जाता है एजुकेशन के लिए इस डाटा को यूज किया गया है, और जो रेफरेंस ईयर है वो इसमें 2015 को लिया गया है और डाटा जारी किया गया है 2016-17 के ईयर के लिए। तो ये आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए कि रेफरेंस ईयर 2015 को मान के 2016-17 के डाटा रिलीज किए गए हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे की हेल्प से, और सबसे अच्छा काम है वो केरला ने यहाँ पे किया है। और यूटीज की अगर हम बात करें तो यूटीज में सबसे अच्छा काम है वो किया है चंडीगढ़ में, तो ये आपको ध्यान में वो यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है
इरेक्टोमेक फ्यूर के बारे में। तो क्या है इरेक्टोमेक फ्यूर, ये हम देख लेते हैं। देखो ये एक इंडेमिक बुखार की प्रजाति या उसको इंडेमिक बुखार है जो कि मेनली इंडिया में पाई जाती है। अब देखो इस ये बुखार से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेनली ये जो बुखार होती है इससे गले में खराश पैदा हो जाती है, इसी के साथ ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं वो भी हो जाती हैं, और कई बार तो पेशेंट की जान भी चली जाती है, और अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीज भी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं वो होते हैं। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप भी उठाती है। तो अभी इसके लिए जो एंटीबायोटिक थी उसी की न्यूज़ है वो आई है, तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो इसमें सोर थ्रोट यानी कि जो गले में खराश होने की प्रॉब्लम है, इसके साथ जॉइंट पेन भी होता है और हार्ट डिजीज भी हो जाती है, तो इन सबको इस प्रॉब्लम के क्या बोल सकते हो कि इस क्योर के ये साइड इफेक्ट हैं। अब देखो जब हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है तो काफ़ी सारे पेशेंट्स की जान भी चली जाती है, या फिर कई बार पेशेंट होते हैं उनको जो हार्ट के वॉल्व वगैरह हैं वो रिप्लेस करवाने होते हैं, अदरवाइज उनकी मौत है वो हो जाती है। तो काफ़ी एक गंभीर फेवर है जो कि यहाँ देखने को मिलती है इंडिया में। अब इसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है उसका नाम है यहाँ पे पेनिसिलिन। तो देखो पेनिसिलिन है ना वो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको डेवलप किया गया था 1928 में। तो इसका पहले तो यूज इंडिया में अच्छा खासा होता था, बट बाद में गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस पे काफी ज्यादा लगाम लगा दी थी, तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसका प्रोडक्शन इंडिया में ऑलमोस्ट बंद हो गया था और अब तो यूज हो ही नहीं रहा था। तो अभी न्यूज ये आई है कि इंडिया में जो रेटोमिक फीवर बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये काफी हेल्पफुल है, इसका प्रोडक्शन अभी गवर्नमेंट वापस स्टार्ट कर रही है ताकि हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको काउंटर किया जा सके। तो यह ध्यान रखना पेनिसिलिन है वो एक ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक है जो कि 1928 में बेसिकली डिस्कवर है वो की गई थी, और ये काफी इसका जो इफेक्ट है वो आज भी काफी सारी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसी बात नहीं है आज तो मार्केट में वैसे काफी सारी एंटीबायोटिक है, बट ये कई एरिया के लिए या कई आप हो सकते हो कि हेल्थ डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पहले इसका प्रोडक्शन रुक गया था और अभी गवर्नमेंट वही डिसाइड कर रही है कि भाई वापस जो रेटोमेक हार्ट डिजीज होती है फीवर की वजह से उनको कंट्रोल करने के लिए इस पेनिसिलिन एंटीड्रग्स का नेम जो एंटीबायोटिक है इसका निर्माण वापस स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स के बारे में, EDCS। न्यूज ये आई है कि जो हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी कि जो MSME मिनिस्ट्री है वो प्लान कर रही है इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर को हर जिले में ओपन करने के लिए। अब भाई ये इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर क्या होंगे? देखो आप कुछ चीजें जैसे जानते हो कि MSME सेक्टर है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाता है। इवन जो जितनी भी मैक्सिमम जॉब होती है इनफॉर्मल सेक्टर की वो ज्यादातर जॉब है वो MSME सेक्टर से ही होती है। तो भाई MSME सेक्टर का हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और लोगों की आजीविका में भी एक इम्पोर्टेंट योगदान इसका है। तो बात ऐसी है कि जो MSME सेक्टर में काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उनको, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए कि भाई उनको एक सपोर्ट दिया जा सके, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जो MSME सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके सॉल्यूशन के लिए इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे ताकि यहाँ पे इनको जो भी स्किल चाहिए हो, जो भी सपोर्ट चाहिए हो किसी भी तरीके का, वो सारी फैसिलिटीज वगैरह इनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हर जिले में एटलीस्ट एक सेंटर ये खोला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि MS डेवलपिंग ए कैडर इन इंडिजिनस एंटरप्रेन्योर्स इन MSME, कि भाई इनके लिए कैडर डेवलप किया जाएगा हर जिले में जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने का मौका वो मिलेगा। अब ये देखो बात ऐसी किस तरीके से इनका सपोर्ट किया जाएगा MSMEs का, तो देखो इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण किया जाएगा जो कि प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन और गवर्नमेंट है, ये मिलकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगी और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो MSME की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व है वो करेगा हर जिले में एक सेंटर ओपन करके। इसके लिए देखो एक तो इंटरप्राइज डेवलपमेंट कोर्स स्टाब्लिश किए जाएंगे। इंटरप्राइज डेवलपमेंट कोर्स मतलब जो भी MSME हैं, जो भी इंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस वगैरह सेटअप कर रहे हैं उनको जो भी वोकेशनल गाइड चाहिए हो, जो भी स्किल डेवलपमेंट चाहिए हो या फिर और भी तरीके का सपोर्ट चाहिए हो वो सारे सपोर्ट्स यहाँ पे डेवलपमेंट कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ ही एक इंटरप्राइज क्लिनिक, इंटरप्राइज क्लिनिक मतलब जिस तरीके से आम लोगों के लिए क्लिनिक होते हैं, क्लिनिक क्या काम करता है, क्लिनिक लोगों के लिए मेडिसिन वगैरह है उनकी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनका सोल्यूशन देता है,
तो उसी तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर में जो इंटरप्राइजेस हैं खुलेंगी नई या नए जो स्टार्टअप्स खुलेंगे उनको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए, यानी कि जो फर्म स्ट्रगल करेंगी उनकी जो भी प्रॉब्लम की सपोर्ट उनको चाहिए हो, जैसे कि उनको कोई लोन वगैरह नहीं मिल रहा हो या फिर उनके कोई और प्रॉब्लम आ रखी हो किसी तरीके की मार्केटिंग वगैरह में, तो उन सब के लिए क्लिनिक है, वो उनको सजेशन देगा और जो भी गवर्नमेंट के थ्रू उचित सॉल्यूशंस मिलेंगे वो उनको प्रोवाइड है वो करवाए जाएंगे। एक तरीके से उनका बिजनेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारे काम किए जाएंगे इंटरप्राइज क्लिनिक के द्वारा। तो देखो ये थी आज की हमारी न्यूज़, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।